नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 प्रो वर्सेस इकोनियो 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Edge 20 Pro में 2.99 इंच जबकि Neo 6 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Edge 20 Pro में 0.31 इंच जबकि Neo 6 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Edge 20 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 190 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Edge 20 Pro में OLED जबकि Neo 6 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Edge 20 Pro में 6.7 इंचेस जबकि Neo 6 5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Edge 20 Pro में 87.49% जबकि Neo 6 5G में 85.3% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Edge 20 Pro में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Neo 6 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Edge 20 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Edge 20 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Neo 6 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 7 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 650 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो Edge 20 Pro में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Edge 20 Pro में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Edge 20 Pro में Android V11 जबकि Neo 6 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Edge 20 Pro में 4500 mAh जबकि Neo 6 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Edge 20 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 36,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Neo 6 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,490 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Motorola Edge 20 Pro में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जो
जबकि बात करें इकोन्यू 6 5G की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में H20 Pro आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।